रेवाड़ी में भी प्रवासी लोगों ने छठ पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। रेवाड़ी के अलग अलग स्थानों पर बनाए गए कृत्रिम घाट पर श्रद्धालुओं ने पानी में खड़े होकर सूर्य देव की आराधना की। शहर के ऐतिहासिक सोलाराही तालाब और कालका रोड बाईपास स्थित बनाए गए कृत्रिम घाट के अलावा धारूहेड़ा कस्बे में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सोलाराही तालाब वर्षों से बदहाल है, जिसका जीर्णोद्धार करने के लिए सालों से योजनाएं बनाई जा रही है, लेकिन पूर्वांचल सेवा समिति ने छठ पर्व पर लोगों की आस्था देखते हुए सोलाराही की अपने खर्चे पर न केवल सफाई की बल्कि वहां कृत्रिम घाट भी बनाया। इसी तरह से कालका रोड स्थित खाली पड़ी जमीन पर मिथिलांचल छठ पूजा सेवा समिति ने कृत्रिम घाट बनाया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूरे विधि विधान से छठ मैया की पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने कहा कि यूपी बिहार झारखंड साइड में इस पर्व की बड़ी मान्यता है और वो अपने घरों से दूर रहकर इस पर्व को उतनी खुशी और रीति रिवाज के साथ मना पा रहे हैं, उससे उन्हें काफ़ी खुशी मिल रही है। आपको बता दें कि छठ पर्व पर निराहार और निर्जला व्रत रखा जाता है, फिर शाम के समय में नदी या तालाब पर जाकर स्नान किया जाता है और सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। मान्यता है कि छठ पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है, खासकर इस व्रत को संतानों के लिए रखा जाता है। कहते हैं जो लोग संतान सुख से वंचित हैं उनके लिए ये व्रत वरदान साबित होता है। आज 10 नवंबर को शाम को सूर्य अस्त होते समय पूजा अर्चना की गई। इसी तरह से 11 नवंबर को सुबह सूर्य उदय होने पर पूजा अर्चना की जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं अपनी खुशी को बयां नहीं कर सकती, बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से मना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उस तरह ये जैसे हम अपने तरफ मनाते हैं, यूपी बिहार में हमारे मनते हैं ना, ठीक एकदम वही फीलिंग आ रही है हमें। तो हम आपका भी आभार है कि आप लोगों ने इतना अच्छा व्यवस्था किया, यहाँ पे सब प्रबंध किया, सबकी मेहनत है, हमारा सौभाग्य हुआ कि हम यहाँ आए। बस अच्छा लग रहा है छठ पूजा यहाँ हमें, जैसे हमारे गांव में होता है वैसे यहाँ भी हो रहा है। हमें ये महसूस नहीं होता है कि हम गांव में हैं कि यहाँ। बहुत अच्छा है। किस तरह से होती है पूजा? ये पूजा बहुत मान्यता हमारे बिहार की है छठ। ये 3 दिन के व्रत होती है, पहले खरना होता है, पहले नहा खा होता है, फिर खरना, उसके बाद ये पहला अर्घ है, फिर कल दूसरा अर्घ होता है। आज हमारे यहाँ रेवाड़ी में छठ पर्व का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जैसा आप देख रहे हैं। ये सारी व्यवस्था पूर्वांचल सेवा समिति के लोगों ने खुद तैयार की है, क्योंकि ये पुराना जो तालाब था ये सरोवर ख़त्म होता जा रहा था, इसकी ऐतिहासिक धरोहर को बचाते हुए ये अभी आप जो कृत्रिम तालाब देख रहे हैं ये खुद बनाया गया है। इसमें 3 सप्ताह से ज़्यादा का समय लगा है और समिति ने खुद ही पैसा इन्वेस्ट करके आपसी चंदे से सहयोग से और ये काम आज आप देख पा रहे हैं। यहाँ हमारे पूर्वांचल के लोग आज सूर्य को उस अस्तांचल सूर्य को अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपनी व्रत उपासना कर रहे हैं और इसी तरीके से सुबह कल सुबह जो है उदय होते हुए सूर्य को अर्घ दे करके अपना ये 4 दिवसीय महापर्व छठ पर्व जो है कल समापन होगा। ये मिथिलांचल के लोगों जितना हैं हम सब इकट्ठा में मिल करके सामूहिक रूप से ये मना रहे हैं। आस्था का पर्व है ये, हम लोगों को कुछ ऐसा है कि अगर कोई कष्ट होता है उसमें हम लोग इसको मान देते हैं, कबूल देते हैं, जो गार्जियन होते हैं तो उससे अगर उबर जाते हैं तो ये पर्व करते हैं। बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है लोगों के अंदर, सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं, अपना घर जैसा माहौल हो रहा है यहाँ पे। इनको किसी को महसूस नहीं हो रहा है कि हम बाहर प्रदेश में हैं, अपने घर जैसा माहौल है और घर जैसा वातावरण में इस पूजा को कर रहे हैं और बहुत और इसमें सब आसपास के जितना यहाँ के लोकल है वो उनका भी सपोर्ट है, सबसे मिलजुल कर करके। और इस पूजा इस पर्व की मान्यता ये है कि ये बहुत पुरानी मान्यता है इसका। इस पर्व को सबसे पहले कुंती जो महाभारत की के अंदर जो पांडव थे उनकी माता थी कुंती, उनके द्वारा इस पर्व को किया गया था और कर्ण की जो कर्ण पुत्र हुआ था उनको इस व्रत को करने से उनको जो है कि कर्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ था।